आज मैं कुसे की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा कुछ वीडियो बनाने का प्लान तो था नहीं, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने भी कहा था कि आपके रेसिपी बहुत टेस्टी होती है, तो आप बनाया करें, डाला करें, अपलोड कर लिया करें। तो मेरी बेटी अभी जो है बहुत ही पीछे पड़ी थी कि मम्मी आज एक रेसिपी बना कर आप अपलोड करो। तो ये तो पूरा तैयार हो चुका था, इसमें है तो एक टीस्पून ज़ीरा और राई मैंने पहले डाल चुकी, मस्टर्ड जो होती है ना उसको पहले तेल में डालकर एक टेबल स्पून ये इतना भर कर टेबल स्पून तेल में राई और ज़ीरा को अच्छा तड़तड़ होने तक, जिस तरह से आवाज़ होता है उतना होने के बाद में ये आमलेट की जैसी एक मीडियम प्याज को कट करके इसमें डाल दिया। अभी इस तरह से भुना जाएगा, थोड़ी लाल होने देना है, ज़्यादा नहीं। लाल होने देने के बाद में ये जो गार्लिक है, गार्लिक जो कट करके रखा है, लहसुन 3-4 पंखुड़ियाँ हैं, 1.5 इंच जो है अदरक है, हरी मिर्च 2-4 हरी मिर्च है। आपको तेज़ होना तो तेज़ करिए, मैं थोड़ी हरी मिर्च के साथ लाल मिर्च भी डालूंगी। उसके बाद टोमेटो भी है, तो ऑमलेट के जब छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके रखा है, कट करके रखा है, और इस तरह से इस ज़रा थोड़ी डिज़ाइन में हो इस तरह से तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसको इस तरह से क्रॉस में कट कर दिया है। और अब ये देखिए प्याज इस तरह से थोड़ी नरम हो गई है, एकदम लाल नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी नरम होने दें। उसके बाद इसमें हल्दी डालना है, ये छोटी चम्मच जो है हल्दी डाल दीजिए। मैंने अलग से प्याली में निकाल कर नहीं रखी है ये, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं इतना बनाने की इसमें मूड में नहीं थी कि वीडियो वगैरह, लेकिन बेटी के कहने पर, बेटी के ज़िद में ये मैंने बनाया है। और अब हम इसमें थोड़ी लाल मिर्च डाल देंगे, और वैसा भी है तो कुछ इस तरह से पूरा अरेंज करके प्रिपरेशन करके नहीं बनाते, क्योंकि इतने सब बर्तन ख़राब करो उसके बाद धोना है तो सब अंदाजे से किया जाता है। एक स्पून जो है नहीं, पहले आप है तो हल्दी डाल दिए, उसके बाद ये अदरक और हरी मिर्च डाल दिए। अदरक और हरी मिर्च डालने के बाद इसको थोड़ा अच्छे से होने दीजिए अदरक को, और उसके बाद जो है गार्लिक डाल दीजिए। इसके जो है बहुत सौंदी खुशबू आती है और बहुत अलग टेस्ट होता है, पेस्ट डालने से बेहतर इस तरह से डाला जाएगा। और इसको थोड़ा अब इसे भी हमें लाल कर देना है। आप हल्दी बाद में भी डाल सकते हैं या पहले भी डाल सकते हैं, उसका हल्दी का कोई मुश्किल नहीं। और एक ख़ास बात, नमक जो है, नमक को पहले सॉल्ट थोड़ा सा आप डाल दीजिए, तो इससे प्याज जल्दी नरम हो जाती है। अब हम लोग तो खाना बनाने का अपने आइडिया होता है, तो जिस तरह से नमक वगैरह कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी को आइडिया आ जाता है खाना जो बनाती है उन्हें। दूसरा, मैं हूँ हिंदी की टीचर, लेकिन आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ। आप देखिए ये हो जाए, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब इस तरह से ये हो गया है मसाला। अब हमें इसमें लाल मिर्च डालना है, मैंने कहा था ना पहले प्रिपरेशन नहीं किया है। एक्चुअली हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं और यहाँ कोई काम वाली का अरेंजमेंट होता नहीं, यहाँ तो हम ही मालिक हैं, ही नौकर। तो अब ये इसलिए डाला है कि ज़रा कलर बहुत अच्छा आता है रेड चिली से, लाल मिर्च से। अब इसको थोड़ा भून लिया, उसके बाद, और ख़ास मिट्टी के बर्तन में मैं सब्ज़ी इसलिए बनाती हूँ कि मेरे बड़े बेटे को मिट्टी के बर्तन में बहुत पसंद है, शायद अपने देश की उसके अंदर खुशबू भी आती है वतन की। तो अब ये हम टोमेटो इस तरह से इसको थोड़ा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और हिंदी का, देखिए हिंदी टीचर होने की वजह से मुझे एक बात का पता है कि बच्चे जो है हिंदी पढ़ने के लिए बहुत आनाकानी करते हैं, और मैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में होने की वजह से हर लैंग्वेज के अपने इंडियन बच्चे हैं, ख़ास कर तमिल बच्चे बहुत हैं, मलयाली बच्चे बहुत हैं, तो वो लोग नफ़रत करते हिंदी पढ़ने से, उन लोग रोना शुरू करते हैं, इवन मेरी छोटी बेटी भी। तो आज जो है मैं ये मिट्टी के बर्तन में इसलिए बना रही हूँ कि अपनी खुशबू आए और बच्चे शौक से सब्ज़ी खाएँ। तो अब ये तैयार हो गया, और अब इसमें ये जो हम कूसे की सब्ज़ी है ये इसमें डाल देंगे, 5-6 लोग आराम से इसमें खा लेंगे। और इसमें थोड़ा अच्छे से हिला देंगे, क्योंकि ये बर्तन तो थोड़ा छोटा है, सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने मिट्टी के बर्तन में बनानी थी इसलिए बनाई है। तो फ्रेंड्स ये बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई है मैंने, इसमें ये हिलाने के बाद अच्छे से, अब ये अच्छे से हिलाने के बाद फ्रेंड्स इसमें एक आधा ग्लास पानी हम डाल देंगे। देखिए आधा ग्लास, आधा ग्लास इसलिए कि थोड़े पानी में अगर ये जब बनेगी
तो अंदर तक मज़ा देगा। चिकन हो, मटन हो, कोई भी चीज़, शुरू में एकदम से ना डाल दिया जाए पानी, इसको थोड़ा गलने दिया जाए और उसके बाद हमें जितना उसको पानी डालना है पानी डालें। और अपने जितनी नमक चाहिए आप नमक मिक्स कर दीजिए, और बच्चों को हिंदी अगर पढ़ाना है तो उन्हें प्यार से अलग अलग स्टाइल में चेहरे बनाकर हिंदी पढ़ाइए, बच्चे बहुत शौक से हिंदी पढ़ेंगे। उसी तरह से सब्ज़ी अलग अलग ढंग से बनाइए, बच्चे ज़रूर खाएंगे। और अगर आपको ये पसंद आई तो मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और मुझे अपने कमेंट्स दीजिए कैसी हुई। मुझे पता है वो शॉर्ट में बनाया है, लेकिन ज़रूर, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।